चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है हमारे सेप्टेक टेक्निकल एनालिसिस में। आज हम स्टडी करेंगे कि इंट्राडे में 5 मिनट और 15 मिनट या 1 घंटे के चार्ट के बेसिस पे कैसे हम पैसा बना सकते हैं किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में। तो इस तरीके से आप देखते रहिए मेरे चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे इस चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जाती है जिससे आप इंट्राडे में और पोजिशनल तौर पे अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं थ्रू स्टॉक मार्केट। उससे पहले मेरा डिस्क्लेमर होगा कि हम किसी भी स्टॉक या इंडेक्स को बाई और सेल के लिए सजेस्ट नहीं करते हैं। ओनली ये वीडियो एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज़ से तैयार किया जा रहा है। तो आगे आप देखेंगे, ये हमने निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है और ये आज का ही चार्ट है, ये सॉरी कल का चार्ट है ये, मतलब ये पूरे टोटल डेली 5 मिनट का टोटल हमने चार्ट ओपन किया हुआ है। ये जो गैप अप खुला है ये कल की ओपनिंग है और हम पीछे भी इसका रिपीटेशन करेंगे, लेकिन अब बेसिस पे सपोज कोई भी 5 मिनट के बेसिस पे हम कैसे डिसाइड करेंगे कि 5 मिनट के चार्ट पे बहुत रिस्की होता है एनालिसिस, फिर भी हम किस तरीके से ट्रेंड को फॉलो करते हैं कि 5 मिनट के बेसिस पे कैसे हम कैचअप कर सकते हैं कि हाँ मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो निफ्टी से ही शुरुआत करते हैं और 5 मिनट का चार्ट हमने ओपन किया है और ये मार्केट, ये क्लोजिंग थी 24 अक्टूबर का, उसके बेसिस पे गैप अप ओपन किया और RSI हमने एक ही इंडिकेटर RSI को यूज के बेसिस पे हम करेंगे। ये तो RSI आप देख रहे हैं, ये RSI क्लोजिंग था 50 के आसपास और सीधा गैप अप खुलने के कारण RSI चला गया 81 पे और 81 से फॉल होने लगा। तो अब आप यहाँ चाहे तो शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिला शॉर्ट का, लेकिन सिग्नल है। आपको सिग्नल नहीं मिला लेकिन सिग्नल है, क्यों? क्योंकि ये जो पुराना, आप ध्यान रखिए, आप लोग जो होते हैं, जो ट्रेडर होते हैं या जो एनालिस्ट होते हैं, वो जनरली भाव को देखते हैं, भाव का डबल टॉप ब्रेकआउट टॉप ब्रेकआउट डिस्कशन करते हैं। हम RSI को फॉलो करते हैं। ये RSI देखिए, ये 24th को जो RSI का लेवल था उसी लेवल पे ये मूव किया और यहाँ से ये डबल टॉप बनाया। तो डबल टॉप बना करके, आपको पता है कि डबल टॉप और 80 का लेवल एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस, बहुत बड़ा ओवर ब्राउट का सिग्नल देता है। फिर भी आपने शॉर्ट नहीं किया, कोई बात नहीं, हम उसके बेसिस पे आगे देखेंगे किस तरीके से हम टॉप और बॉटम निकाल सकते हैं इंट्राडे चार्ट पे। तो सबसे पहले तो डबल टॉप बनाया, पुराने RSI के लेवल पे रेजिस्टेंस 100% फेस करेगा और वहाँ से अगर आप सेल किया तो ठीक है, वरना हमें RSI के बेसिस पे ये सेल सिग्नल मिल चुका है। फिर भी ये नीचे की तरफ कहाँ पे सपोर्ट करेगा, ये 50 के आसपास सपोर्ट ले रहा है। तो 80, 70, 60 और 50 बहुत बड़ा RSI का स्टैंडर्ड लेवल होते हैं। 50 पे अगर सपोर्ट लेके बाउंस मारता है RSI, इट्स मीन्स दोबारा इस जो हम 80 से फॉल किए हैं, आप प्राइस को भूल जाओ, आप बस RSI के लेवल को स्टडी करो कि हाँ जी RSI 80 से नीचे आ गया 50, तो 50 को क्या तोड़ रहा है? 50 को थोड़ा देर के लिए आपको टूटते हुए दिखेगा, लेकिन 50 पे सपोर्ट लेगा, पहली बार जरूर सपोर्ट लेगा, दूसरी बार या तीसरी बार में तोड़ने की कोशिश करेगा। तो पहली बार जरूर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, तो जहाँ सपोर्ट ले आप समझो प्राइस में यहाँ से मूव करेगा और RSI दोबारा इसका कम से कम 78% रिट्रेस करेगा। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट खींचेंगे तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट, हम सब लोग प्राइस पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट खींचते हैं, हम यहाँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट खींचते हैं। तो ये देखिए, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट 78%, 61%, 50%, आप बीच में कहीं भी प्रॉफिट लेकर निकल सकते हैं। आप अगर लो रिस्क की ट्रेडर हैं तो आप 50 पे निकल जाइए, लेकिन फिर भी हम, और ये हमारा 78% रिट्रेस करके अगर फॉल होता है, इट्स मीन्स नया लो बनाने की कोशिश करेगा
और 23% से भी नीचे आ जाता है तो हम गिर सकते हैं। तो आप देखें यहाँ से ये रिट्रेस किया, थोड़ा सा डबल बॉटम बनाया, फिर से गया 78% रिट्रेस किया और प्राइस ऑलमोस्ट हम एक हाई पे आ गए, हाई पे आ गए और वहाँ से फिर से हम धीरे 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 फॉल होने लगे। तो हम इसका 50% तक हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। तो हमें प्राइस में ज़्यादा गिरावट नहीं हुआ लेकिन ये RSI नीचे की तरफ आ गया। तो हाँ, आप यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। सपोज आपने 50 के आसपास सपोज यहाँ पे भी लिया 10,250, तो आपको इसके बेसिस पे प्रॉफिट, आपको 350 पॉइंट का प्रॉफिट मिलने की चांसेस थी। ये रहा इंट्राडे RSI फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बेसिस पे किस तरीके से 5 मिनट के चार्ट पे आप पैसा बना सकते हैं। इस तरीके के हम एजुकेशनल नॉलेज आप लोगों को शेयर करते रहेंगे। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन और जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।